हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, जब आप न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो अपने छोटे बेबी को लेकर हमेशा आप अलर्ट रहते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। पर इसके बावजूद अगर बेबी को छोटी सी कोई परेशानी हो जाए, जैसे कि फीवर, तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिनसे आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीवर आने पर उनकी केयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी नवजात शिशु, वो अपनी बात कह नहीं सकते और ना ही अपनी बात समझा सकते हैं। इसीलिए हमें खुद ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उन्हें कोई परेशानी ना हो। देखिए, फीवर कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से आ सकता है, पर जब छोटे बच्चों की बात आती है तो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी को किन रीज़न की वजह से जो है बुखार या फीवर आ सकता है। फर्स्ट, अगर आपने अपने बेबी का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कराया है तो उसे फीवर आ सकता है। सभी बेबीज़ को फीवर आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बेबीज़ को वैक्सीनेशन के एक दो दिन बाद तक फीवर रह सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों को बुखार आता है तो इसका एक कारण जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर बेबी को किसी तरह का फंगल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो इन केसेस में भी बेबी को फीवर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने बेबी को अच्छी तरह से यानी पेट भरकर फीड नहीं कराती हैं तो इस वजह से भी कभी कभी बेबी को फीवर आ सकता है, या फिर कभी बेबी को अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी वो बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप बेबी को ज़्यादा कपड़े पहना रहे हो तो इससे भी बेबी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे फीवर आ जाता है। और साथ ही साथ सर्दियों में अगर बच्चे को अच्छे से कवर ना किया जाए, जितनी लेयर उसको पहनानी चाहिए कपड़े की उतने आप नहीं पहना रहे हैं, तो इन रीजंस की वजह से भी बेबी को फीवर आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे जान सकते हो कि बेबी को फीवर यानी कि बुखार है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके बेबी को खांसी जुकाम है तो उसे फीवर हो सकता है। दूसरी चीज़, आप अपने बेबी का जो माथा यानी फॉरहेड है उसको छूकर देख सकते हैं। अगर उसका फॉरहेड या माथा गर्म लगे तो यानी आपके बेबी को फीवर है। और बेस्ट तरीका यही है कि आप बेबी को थर्मोमीटर से चेक करें और उसमें बेबी के बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आता है तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेबी ने एकदम से दूध पीना छोड़ दिया है या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उसको फीवर है जिस वजह से वो दूध पीना नहीं जा रहा है। तो मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके बेबी को फीवर है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आइए वो जान लेते हैं। पहली चीज़, देखिए, अगर आपके बेबी को फीवर है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि बेबी को अपनी माँ के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहने दें। न्यूबॉर्न बेबी सबसे ज़्यादा अपनी माँ के पास ही सेफ फील करते हैं, इसीलिए उसे ठीक फील कराने के लिए माँ के साथ ज़्यादा समय बिताने दें। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बाद बेबी को फीवर आया है तो आपके डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन आपको बताई है बेबी के लिए और जितनी डोज बताई है वो आप बेबी को दीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कौन सी दवाई देनी है और कितनी देनी है, ये आप खुद से डिसाइड मत कीजिए। जैसा कि आपके डॉक्टर ने बताया है वैसा ही आपको करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे को फीवर है तो आप उस टाइम पर उसके कपड़ों की लेयर्स को थोड़ा कम कर दें, या फिर जो कमरा या रूम है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें या नॉर्मल कर दें, यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, बेबी को अगर फीवर हुआ है तो इस टाइम पर उसकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। डेली उसके कपड़े आपको बदलने हैं, अगर आप नहीं नहला रहे हो तो भी आप उसको स्पॉन्ज दे सकते हो या फिर गीले कपड़े से उसका जो शरीर है उसको ज़रूर साफ़ करें। फीवर होने पर अगर बेबी दूध नहीं पी रहा है यानी फीड नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर रुककर उसे दोबारा पिलाने की कोशिश करें। एक बार में कम या ज़्यादा जितना भी बेबी पी रहा है उसे पिलाइए, फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको ब्रेस्ट फीड कराते रहें यानी कि माँ का दूध पिलाते रहें। डॉक्टर ने जो भी दवाई आपको देने के लिए कहा है फीवर आने पर उसको आप उतने ही गैप में और उतनी ही क्वांटिटी में दें जितनी की एडवाइस की गई है। यानी कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि हर 4 घंटे में आपको ये दवाई देनी है और इतनी देनी है, तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जैसा कि आपके डॉक्टर ने कहा आपको वैसे करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ टाइम टाइम पर बेबी का बॉडी टेम्परेचर भी आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, कभी कभी बच्चों को बुखार आने पर कुछ लोग उसे धूप में ले जाकर बिठाने के लिए बोलते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जिस टाइम पर उसको फीवर है उस टाइम पर उसे ऐसी जगह ले जाकर बिठाएं, उसे ऐसी जगह रखें जहां पर जो टेम्परेचर या तापमान है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ जानने के बाद अब ये जानना ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बेबी को फीवर आने पर किन कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और वेट नहीं करना चाहिए।
पहली चीज़ कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक आपके बेबी को फीवर है तो इस केस में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट, अगर बेबी को फीवर के साथ साथ वॉमिटिंग यानी उल्टी भी हो रही है तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बेबी को फीवर तो हुआ ही है, साथ साथ बच्चे को जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस केस में भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। बेबी का बॉडी टेम्परेचर अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा सो रहा है, उसे लूज मोशन हो रहे हैं या फिर वो टॉयलेट कम पास कर रहा है, यूरिन कम पास कर रहा है, तो इन कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास बेबी को लेकर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी को फीवर हो तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, बेबी आराम से ठीक हो जाएगा, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इसी तरीके से अपने बेबी की केयर करते रहिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।